खबर अलीगढ़ से, एडमिशन लिस्ट ना निकाले जाने पर छात्र छात्राओं का फूटा गुस्सा, बारिश में ही धरने पर बैठे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दर्जनों छात्र छात्राएं एडमिशन लिस्ट व अन्य मांगों को लेकर बाबे सैयद गेट पर भारी बारिश में ही धरने पर बैठ गए। वहीं प्रोटेस्ट पर बैठे छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे, चाहे आंधी तूफान आए या बरसात, हम अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रोटेस्ट कर रहे छात्र छात्राओं को काफी समझाने का प्रयास किया गया, मगर सभी विफल रहे। वहीं छात्रा अफरीन फिरीज ने बताया कि हम कम्युनिटी कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज के एक सक्रिय स्टूडेंट के रूप में हम उन मुद्दों के बारे में गहराई से चिंतित हैं जो उत्पन्न हुए हैं और आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। सामुदायिक कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कौशल भारत कार्यक्रम का समर्थन करने के महान मिशन के साथ की गई थी। वर्तमान में लगभग 400 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र सामुदायिक कॉलेज में नामांकित हैं, जिससे ये एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान बन गया है। विश्वविद्यालय कम्युनिटी कॉलेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार कौशल भारत के दृष्टिकोण से सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। ये हमारे संज्ञान में आया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सामुदायिक कॉलेज को अपने सुचारू संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों कर्मचारियों को 2 वर्षों से अधिक समय से उनका वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके मनोबल व उनके कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त हमें पता चला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय MVOC की पेशकश जारी रखने की योजना नहीं बना रहा है। मास्टर ऑफ वोकेशन पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से इस निर्णय से हम में से कई लोगों को निराश कर दिया है, क्योंकि हम विभिन्न विषयों में इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में अत्यधिक रुचि रखते थे। MVOC पाठ्यक्रम 3 अलग अलग विषयों में 60 सीटों की पेशकश करता है, जिसने हमें बहुमूल्य कौशल प्रदान किया और हमारे करियर की संभावनाओं को बढ़ाया। इच्छुक छात्रों के रूप में हम आपसे निर्णय पर पुनर्विचार करने और MVOC को बहाल कराने का आग्रहपूर्वक अनुरोध करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम, क्योंकि ये हमारे भविष्य में बहुत योगदान देगा और कौशल भारत के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होगा, और इस निर्णय के हमारी शैक्षिक यात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसीलिए हम संबंधित प्राधिकारियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें और एक समाधान खोजें जो सामुदायिक कॉलेज के सुचारू संचालन की अनुमति देगा और हमें MVOC को आगे बढ़ाने में सक्षम करेगा। सर, हमारा धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं कर दी जाती कि हमारे एडमिशन की लिस्ट निकाली जाए और हमारा एडमिशन कराया जाए। बिकॉज सर, क्योंकि अगर AMU ये कह रहा है हमारे पास सेल्फ फंड नहीं है, तो हमारे ही सर इसमें जिम्मेदारी नहीं है। हम अपनी फीस अभी तक देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। और अगर सर, जैसे कि हमें कहा जा रहा है कि आपका जो कोर्स है उसको सेल्फ फाइनेंस किया जाएगा, सर सेल्फ फाइनेंस करने से पहले या कोई भी रूल लागू करने से पहले उसकी गाइडलाइंस निकाली जाती हैं। जब हमारा एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म निकला था उससे पहले हमारे कुछ नहीं बताया गया कि आपके सेल्फ फाइनेंस किया जाएगा। अगर सर किया जा अगर ऐसा करना था सेल्फ फाइनेंस, तो वो गाइडलाइंस निकाली जाती और उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते वो उसके अंदर एडमिशन ले सकते थे। मगर सर, हमारे साथ ऐसा है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर किसी के पास इतना नहीं है कि वो सेल्फ फाइनेंस की फीस जो है जुगाड़ सके। मगर हम लोग क्या करें सर, हम लोग को अब इस नौबत पे आना पड़ा है कि हम यहाँ प्रोटेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन लिखी, हम वाइस चांसलर सर के पास भी गए और कंट्रोलर सर के पास भी गए। उन्होंने हमारी बात सुनी, मगर उन्होंने इतना ही कहा डायरेक्ट, जब तक हमारे पास फ़ंड नहीं आएगा हम नहीं कर सकते। सर, स्टूडेंट को कभी भी फ़ंड से लेना देना नहीं होता है, हमारा हक है हम एडमिशन लें, क्योंकि हमने एंट्रेंस टेस्ट दिया है। आप सबको उनका तो होना चाहिए ना सर, जो कम से कम एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो चल रही है, जो वर्ल्ड वाइड जिसका नाम है, उसमें ऐसा हो। और ये कोर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर सर का कोर्स है। जब 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सर आए थे, उन्होंने इसको स्किल इंडिया के तहत निकाला था। और हमारी गुजारिश है हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारे CM सर से, हमारे योगी सर से, कि वो हमारा साथ दें और हमारे एडमिशन होने में पूरी कोशिश करें।
कौन कौन सी क्लास के छात्र हैं और कितने लोग छात्र यहाँ बीवॉक हैं? सर यहाँ पर हमारे पूरे बीवॉक के स्टूडेंट्स हैं, जिसने भी हमारे एमवॉक में एंट्रेंस दिया है। एमवॉक की भी सर हमारी तीन फील्ड्स हैं, पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सब लोग हम मिलके हम लोग कर रहे हैं और जब तक करते रहेंगे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारा एडमिशन हमारा फ्यूचर का सवाल है। और जब तक हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ही हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आगे पढ़ेंगे कैसे। सर हम यहाँ पे अपने एडमिशन के रिगार्डिंग, मेरा नाम आफ़रीन फिरोज़ है, मैं बीवॉक, मेरा बीवॉक कंप्लीट हो गया, बीवॉक की स्टूडेंट हूँ पॉलीमर साइंस की, और अभी हम लोगों ने एमवॉक का एंट्रेंस दिया है। सारे कोर्सेज की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन एमवॉक की लिस्ट अभी भी ये लोग नहीं निकाल रहे हैं। ये बोल रहे हैं, हमने पूछा कि लिस्ट क्यों नहीं आई है, तो ये बोला जा रहा है कि एमयू के पास फंड नहीं है आपका कोर्स चलाने के लिए, इसलिए आपके एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। सर हमारा एंट्रेंस हुआ है, उसके बाद ये बात ये लोग बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ था तो इन लोग को गाइडलाइन में पहले देना चाहिए था, या पहले बताना चाहिए था कि हम एमवॉक के एडमिशन नहीं देंगे, ताकि हम और जगह ट्राई कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने हमको बिल्कुल नहीं बताया। और रही बात फंड की, तो फंड यूनिवर्सिटी का मसला है, हम अपनी फीस टाइम से सबमिट करते हैं। बस हमें रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमको एडमिशन दे एमवॉक। कितने छात्र हैं जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग अराउंड 50 हैं अभी, जो है पूरे जो है स्टूडेंट अभी आए नहीं है, अब रास्ते में है, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। आपका क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे कोर्स को बंद ना किया जाए, कोर्स को चलाया जाए, और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत, ये सर, तो उसको बंद ना किया जाए। ये प्रोटेस्ट कहाँ चल रहा है? बाबे सैयद पे सर। कब तक चलेगा सर? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारा एडमिशन की लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।